नमस्कार, नमो नारायण। आप लोगों के प्यार और स्नेह ने हमेशा मुझसे जो जिज्ञासा की उसका सही और सटीक जितना सरलतम भाषा में उत्तर दिया जा सके वो मैं प्रयास करता हूँ। आपके ढेर सारे क्वेश्चनों में आया था कि 64 योगिनी साधना क्या है, यक्षिणी साधना क्या है, किन्नरी साधना क्या है, अप्सरा साधना क्या है और सप्तमात्रिका, अष्टमात्रिका और नवमात्रिका साधना क्या है। इन सारी साधनाओं के मूल में भगवान शिव हैं। वो चाहे आप शिव समझें, शिव शक्ति समझें या तंत्र समझें, लेकिन जो जरूरी चीज है वो है डिसिप्लिन। किसी भी साधना के लिए जब तक साधक अपने जीवन में पवित्रता के साथ साधना नहीं करता तो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। मैं प्रारंभ तो करूंगा 64 योगिनी साधना से कि 64 योगिनी साधना है क्या। देखिए, करुणा ज्ञान शक्ति और सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करती हैं योगिनी साधना। 64 योगिनी साधना इसी का ही प्रतिनिधित्व करती है। और हिंदू धर्म में देवी शक्तियों का एक जो समूह है उसका नाम है 64 योगिनियां। ये योगिनियां अक्सर तांत्रिक विद्या से जुड़ी हुई होती हैं और उन्हें अलौकिक शक्तियों का वाहक भी माना जाता है। कैसे साधना करेंगे इनकी? कठोर साधना तो है, तपस्या भी है, शुद्ध आचरण भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए और अविचलित तरह की साधना। विचलित हो गए तो बात खत्म। इसमें गुरु दक्ष होना चाहिए। गुरु आपका अगर ठीक नहीं है तो इस साधना के बीच में कभी कोई दर्शन दिख गया तो कपाट पागलों की तरह फट जाते हैं, आंखें फट सकती हैं, मतलब वो भयानक दृश्य को झेल नहीं पाओगे। कभी कभी हंसने की आवाजें, कभी कभी पायल की बजने की आवाजें, कभी घुंघरुओं की आवाजें, कभी जिस जगह पे साधना पे बैठे हुए वहां पर आकृतियां, न जाने क्या क्या अनुभव भी हो सकते हैं अगर आपके पास गुरु नहीं है तो। तो उसका मेन जो राइडर है वो यही चीज है कि गुरु बिना कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए और प्रमाणिक गुरु का होना अति आवश्यक है। फल क्या होता है इन साधनाओं का? असाधारण शक्तियों की प्राप्ति, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति और मोक्ष की प्राप्ति। भाई यही तो साधक चाहता क्या है कि हमें वो सब मनोकामनाएं पूरी हो जाए और कोई असाधारण शक्ति मिल जाए। साधारण शक्ति तो बाजार में सब जगह मिल ही रही है। अब 64 योगियों के मंदिर कहाँ हैं? तो उसके मुख्य मंदिर, वैसे तो मैं बताऊंगा कि मुरैना के मध्य प्रदेश और जबलपुर में, साथ साथ में ओडिशा में, पर आज मैं दो मंदिर को कवर करने जा रहा हूँ जो आपको नज़दीक भी हैं, आप उनको देख भी सकते हैं और आप इनको प्रत्यक्ष अनुभव भी ले सकते हैं। वैसे 64 योगिनियों की कहानी क्या कहेंगे, तो उसमें दो कहानियाँ चलती हैं। पहली कि देवी काली ने गोर नामक दैत्य का जब वध करने के लिए 64 रूप धारण किए तो ये वही 64 योगिनियाँ हैं, ये एक कहानी। दूसरी कि देवी दुर्गा ने 64 योगिनियों को अपने शरीर से उत्पन्न किया। अब जैसे जैसे पुराण, जैसे जैसे अपना विश्वास, उस पर आप यकीन कर सकते हो, लेकिन मूल में तो साधना ही है, ये ध्यान रखो। 64 योगिनियों की साधना है तो योग्य गुरु की दीक्षा जो होती है वो पारंपरिक दीक्षा होती है। और एक जमाना था, मैं अगर बात करूं तो 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास का, जब इस तंत्र की और इन 64 योगिनी की पूजा भारत के अंदर बहुत आधारपूर्वक और बहुत विधिवत सही तरीके से की जाती थी, करवाई जाती थी। और उसका प्रमाण है मुरैना का वो 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में, जो ग्वालियर से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ मीतावली गांव में उसका मंदिर ये पड़ता है। हमारा जो वर्तमान पार्लियामेंट तो नया आ गया, लेकिन पुराना जो पार्लियामेंट हाउस अभी भी उसका जो पार्ट तो है ही अपने साथ, तो वो जो पार्लियामेंट की गोल्ड बिल्डिंग है वो पूरी की पूरी डिटो उसकी इंस्पिरेशन मुरैना के उस 64 योगिनियों वाले मंदिर की ही डिज़ाइन की प्रेरणा है। लेकिन हम लोगों में इतनी लघुता ग्रंथि है कि हम उसकी क्रेडिट अंग्रेज को दे देते हैं कि नहीं, ये फला फला अंग्रेज ने बनाया था, आर्किटेक्ट बहुत सुंदर है। उसके पहले जाकर देखो मुरैना का वो मंदिर। हाँ, ये है कि वहाँ पर जो मुरैना का मंदिर है उसमें 64 कक्ष हैं, मध्य में एक खुला मंडप है और उसमें शिवलिंग है। वैसे तो हर कक्ष के अंदर एक एक योगिनी की मूर्ति और शिवलिंग था, लेकिन विधर्मियों के हमलों के कारण
मूर्तियां खंडित कर दी गई, कुछ मूर्तियां तोड़ी गई और कुछ मूर्तियां चोरी करके ले भी गए होंगे। अब कक्ष तो बच गए हैं। वैसे अप्रोक्सीमेटली इसको कहा जाता है 1323 में यह मंदिर बना था, 1323 में, और उसके लगभग 600 साल बाद 1920 में हमारी पार्लियामेंट बनी थी, उसी की इंस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए। उस जमाने में मुरैना के मंदिर को तंत्र की यूनिवर्सिटी कहते थे। सोचो, पूरे देश विदेश से लोग तंत्र सीखने के लिए यहाँ आते होंगे और खूब गुरु और शिष्य आपस में मिलकर के चर्चा होती होगी। आप अगर उस मंदिर पे पहुँचते हैं तो वो दृश्य आप सजीव रूप से देख सकते हो। शिवजी के तंत्र मंत्र से के कवच से ये पूरा परिसर ढका हुआ था या उसको रक्षण दिया हुआ था। अभी भी यहाँ पर कई साधक आते हैं और तंत्र की साधना करते हैं। वैसे रात में वहाँ रहना मना है, पर फिर भी चोरी छिपे इस तरह की वारदातें देखी जाती है, सुनी जाती है, और कई बार तो YouTube पे उसके रील्स भी डाल दिए जाते हैं। दूसरा मंदिर मैंने आपको बताया 64 योगिनियों का, माँ नर्मदा जी की साक्षी में मध्य प्रदेश के जबलपुर के बेराघाट में। अब बेराघाट कहाँ है, मैं जैसे मैंने बताया नर्मदा की एक और मतलब किनारे पे, और मंदिर में इसमें 64 की बजाय 81 योगिनियों का समूह शामिल है। 81 क्यों? क्योंकि वो नौ मात्राएं तो 9×9 81 उस तरह का एक गणित है इसमें। तो जबलपुर से 5 किलोमीटर दूर बेड़ाघाट क्यों? बेड़ाघाट नाम अपभ्रंश है, असल में इसका नाम है भैरों घाट। भैरों मतलब भैरव, भैरव की कभी वो नगरी मानी जाती थी, तो भैरों घाट उनका नाम था, अब अपभ्रंश होकर के हो गया भैरों घाट। नर्मदा नदी के ऊपर पहाड़ की चोटी के पास है। त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश के राजाओं द्वारा निर्माण किया हुआ ये मंदिर बताया जाता है, और शहर का पहले का नाम भी भैरव घाट था। मंदिर में शिव या भैरव की छवि होती थी खूब। पहले तो शिव जी की शिवालय ही पहले पहले भारत देश की संस्कृति और सनातन के साथ थे। बाद में धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया हम और मंदिरों का निर्माण करते भी गए। मंदिर में योगिनियों के पत्थरों की मूर्तियां हैं, इन मंदिरों में आज भी हैं। और एक मूर्ति जो विशेष मीडिया के अंदर भी इसको काफ़ी कवरेज मिला, वो है कामदा। कामदा यानी यौन प्रेम के दाता। और जो इसमें पूजा होती है वो योनि पूजा शामिल है। वैसे देखा जाए तो मातृकाएं शक्ति पूजा के अंदर आएंगी। मैंने आपको बताया था कि 64 योगिनी के साथ यक्षिणी, किन्नरी, अप्सरा, आपने पूजाओं की विधियां पूछी, और सप्तमातृका, अष्टमातृका, नवमातृका। तो मातृका क्या है? पहले तो मान लीजिए कि 8 मातृकाएं, 8 मातृकाएं 8 दिशाओं पर भी ली जा सकती हैं। 7 मातृकाएं तो 7 रंग, 7 आसमान, 7 सागर, उस पर भी ली जा सकती है। ये मातृका जो है ये हैं तो देवी स्वरूपा ही, लेकिन फिर भी मैं सारे नाम लूँ ले सकता हूँ, गूगल पे आपको सारे नाम मिल जाते हैं, पर कुछ नाम इसमें बहुत ही अदब के साथ लिए जाते हैं, उनकी पूजा होती है, क्योंकि उसका फल भी उसी तरह प्राप्त होता है। जैसे सुरसुंदरी योगिनी, ये योगिनियों में मैं अगर नाम बताऊँ तो, और आप कहोगे कि अगर मातृकाओं में नाम, तो खड़गमाला जब हम करते हैं श्री विद्या की, वहाँ नव मातृका का पूरा प्रोसेस आता है। श्री विद्या में भी श्री यंत्र के ऊपर नव मातृका का प्रोसेस आता है। उसमें ब्रह्मा से जुड़ी हुई जो मातृका है वो है ब्रह्माणी, विष्णु से जुड़ी हुई मातृका है वैष्णवी, शिव से जुड़ी हुई है माहेश्वरी, कार्तिकेय से कुमारी, इंद्र से इंद्रयाणी या इंद्री, वराह से वाराही, नरसिंह से नारसिंही, आदिशक्ति से चामुंडा और गणेश से विनायकी। ये वो मातृकाएँ हैं जिनके बिना मातृकाओं का काम क्या है या योगिनियों का काम क्या है। जब हम किसी आद्या शक्ति की पूजा करते हैं, मानो कि महाकाली की पूजा करेंगे, महासरस्वती की पूजा करेंगे, महालक्ष्मी की पूजा करेंगे, तो ऐसा डायरेक्ट वो नहीं आती है, उनसे पहले उनकी जो शक्ति है मातृका शक्ति वो आती है, योगिनी शक्ति वो आती है, और वो लगभग उसके जैसी ही दिखती हैं, और पावर्स भी उनके पास इतने होते हैं कि हमें लगता है वो साक्षात देवी ही हम देख रहे हैं। अक्सर में योगिनी या मातृका ही देवी की तरफ से आपको दर्शन देकर के चली जाती है। विरला होगा जो देवी के साक्षात दर्शन में आता है, रामकृष्ण परमहंस जैसे। बाकी तो हम योगिनी और मातृकाओं से इतने तृप्त हो जाते हैं कि हमें बिल्कुल सोचने का भी समय नहीं होता है कि ये योगिनी मातृका है, क्या है या देवी है,
क्योंकि सारे पावर सेम है। दक्षिण भारत में 7 मातृकाओं को पूजा जाता है, नेपाल में 8 मातृकाओं को पूजा जाता है। मुझे बड़ा कहते हुए थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि इस विषय पर, तंत्र के विषय पर विदेशियों ने बहुत रिसर्च किया, जर्मनी वालों ने, यूरोप वालों ने, लेकिन भारत का युवान आज भी गलत वीडियोस में, गलत चक्कर में पड़ा हुआ है। भारत का युवान इस पूजा पद्धति में या स्पिरिचुअलिटी में उसका रिसर्च वर्क बहुत कम है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा सा अगर घूमने के हिसाब से भी चले जाओगे तो थोड़ा चलते चलते चरेवेती चरेवेती बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है, लेकिन अपनी अपनी एक अपनी कंप्लेन है। मैं माता पिता को भी इसमें ज़बरदस्त थोड़ा सा मानता हूँ रिस्पॉन्सिबल, कि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए उनको पढ़ाएंगे, क्लासेस करवाएंगे, ट्यूशन कराएंगे, उनको वो स्वप्न दिखाएंगे तुम इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, पर आध्यात्मिक जीवन जियोगे ऐसा नहीं बनेंगे, और खुद फिर उसका नतीजा भुगतते हैं बुढ़ापे में, जब वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं तब कहते वो गलती हो गई, बच्चों को हमने पढ़ा दिया और बच्चों ने कहा कि आई एम नॉट कन्विंस्ड द वे यू आर अपब्रिंगिंग फॉर मी। आई एम नॉट कन्विंस्ड का मतलब क्या होता है? यही कि तुम्हारे सारा जो तुमने किया उस पर मैंने पानी फेर दिया, और उस पर कबीर कह गए अब पछतावे हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे दक्षिण भारत में मैंने जैसे बताया 8वीं शताब्दी में कर्नाटक का गंगा राजवंश सप्तमातृका का कई मंदिर बनाते हैं, गुर्जरा पाटीदार हैं, चंदेला हैं, चालुक्य है, और इनका वर्णन पुराणों में कहाँ पे आता है? महाभारत के अंदर है, वराह पुराण में है, अग्नि है, अग्नि पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है, देवी महात्म्य में है। देखा जाए तो भारत में सकारात्मक तंत्र विज्ञान को पुनर्जीवित जो करने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए, वो उस पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि तंत्र के विषय में जो फेसबुक या यूट्यूब या इस पर जो बताया गया शॉर्टकट वो सत्य नहीं है। तंत्र में गुरु प्रत्यक्ष होता है और उसमें समय भी देना पड़ता है और एक डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। जहाँ मैं योगनियों की बात कर रहा हूँ, 64 योगनियों के अंदर सप्तमातृका अपना विषय पूरा करते हुए वापस एक बार 64 योगनियाँ, तो उसमें कुछ योगनियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सुर सुंदरी योगनी, ये पार्वती जी का अवतार है, अत्यंत सुंदर, आकर्षक, और आपको हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनकी पूजा लगती है। दूसरी है मनोहारा योगनी, ये लक्ष्मी जी का अवतार है, अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी। तीसरी है शक्ति योगनी, ये देवी दुर्गा का अवतार है, अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी। फिर काली योगनी, ये देवी काली का अवतार है, अत्यंत भयंकर और क्रूर है। और भैरवी योगनी, भैरव की जब आप साधना करते हो तो भैरवी योगनी आएगी, तो भैरवी का अवतार अत्यंत रहस्यमय और अलौकिक है। भारत का जो तंत्र है, भारत का जो सनातन धर्म है, भारत की जो परंपरा है, वो अपने आप में इतनी पुष्ट है, इतनी रिचनेस के साथ है, कि हजारों वर्षों की ऋषियों द्वारा ये की गई खोजें हमारे पास पुस्तक के प्रमाण में, पुराण स्वरूप में तो है, लेकिन हमारे पास उतनी श्रद्धा शायद नहीं है कि हम उनका अध्ययन करें, उस पर विचार करें, चिंतन करें, मनन करें। और हम जो पूछते हैं कि शॉर्टकट में कोई बताइए मंत्र, हम ये पाना चाहते हैं, हम स्वयं पा सकते हैं, एक ठीक गुरु के निर्देश में हम स्वयं ये पा सकते हैं करके साधना, लेकिन हम चाहते हैं शॉर्टकट, कि हमारी तरफ से साधना भी कोई और करे, हम क्यों करेंगे, जो भी करना हो थोड़ा सा पैसा दे करके किया जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि भारत में तंत्र गिरते 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 आजकल अपने निचले स्तर पर आ चुका है। मेरा प्रयास रहेगा कि एक सकारात्मक और वैज्ञानिक सोच के आधार पर तंत्र को पुनः जीवित किया जाए, चाहे वो दश महाविद्या से हो, चाहे वो रुद्र से हो, चाहे हनुमान से हो, चाहे भैरव से हो। मेरे प्रयास ईमानदारी के हैं कि उसमें मेरे सन्यासी ऐसे हों जो राष्ट्र के लिए, एक राष्ट्रवादी सोच के लिए ये अध्यात्म अपने उपयोग में लाएं। बाकी तो परमात्मा की इच्छा। आज आपको मैंने जो आपको ये बताया है तंत्र का विज्ञान, यह आपके ज्ञान में थोड़ी वृद्धि करेगा, और आपको लगता है कि इसको कहीं आगे भी बेच करके किसी को गाइड करने के लिए काम लग सकता है, तो कंजूसी मत कीजिएगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।